तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे होता है। आपको पता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे मैनेजर्स हैं जिनको इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं पता है। जी हाँ, अगर मैं मान लीजिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए मैनेजर काम करता हूं, तो मुझे अपना ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए, मुझे अपना मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, मुझे अपना सेल्स कैसे करना चाहिए, ये कोई आइडिया नहीं है। और इसी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना इतना डिफिकल्ट लग रहा है यार। तो आज हम क्या करेंगे बताए? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में जानते हो ना आप, ये जो तीन भगवान है ये हमारे सृष्टि के कर्ता धर्ता मानते हैं हम, राइट? वैसे ही ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता है। अगर इनको आपने नहीं समझा ना, तो बॉस इंश्योरेंस में काम करना डिफिकल्ट लगने ही लगने वाला है। तो आइए हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स के बारे में सीखते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना आज थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे कई सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे प्रोडक्टिव और यूनिक तरीकों के बारे में बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे आज के, हम समझने वाले हैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स किस तरह से किया जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, राइट? और हम माइथोलॉजिकल एग्जांपल लेने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का, राइट? सो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को जैसे हम जानते हैं, यू नो, उनको इस तरह से पहचाना जाता है कि ही इज अ क्रिएटर, राइट? इंडियन माइथोलॉजी में हम ये मान के चलते हैं कि ब्रह्म भगवान ने ही ये सारी चीजें बनाई है, यू नो, ये अर्थ, ये यूनिवर्स, ये सारी चीजें उन्होंने ही बनाई हुई है, करेक्ट? वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ब्रांडिंग जो होता है ना, यही एक्चुअली आपको जनरेट करके देता है आपके लीड्स, आपका डेटाबेस और सबसे तगड़ा आपका ब्रांड वैल्यू। जी हाँ, क्या क्या चीजें करनी होती है अगर आपको ब्रांडिंग करना है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके, यू नो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह अकाउंट्स ऑलरेडी होंगे, राइट? इस अकाउंट पे आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ अपडेट करते होंगे, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते होंगे, है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके फोटोग्राफ तो जरूर लेते हो ना, उसके वीडियोस क्रिएट करते हो, वो अपलोड करना शुरू कर दो। यस, इससे क्या होगा, जितने भी आपके कनेक्शंस में लोग हैं उनको पता चलेगा कि कितना, यू नो, तरक्की कर रहे हैं आपकी टीम में लोग, कितना अच्छा कमा रहे हैं, आपका जो वर्क प्लेस है वो कितना हैपनिंग है, ये चीजें वो समझना शुरू कर देंगे। इसी से इन्फ्लुएंसिंग शुरू होता है धीरे धीरे, इसी से आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, राइट? तो ऐसा ही जो कंटेंट है ना, आपको सबसे पहले आपके फेसबुक अकाउंट पे अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करना है, और उसी के साथ साथ आप जितने ज्यादा हो सके ना, उतने ज्यादा फेसबुक ग्रुप में ऐड हो जाओ। पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट ग्रुप भी होते हैं, दोनों में ऐड हो जाओ अपने लोकल एरिया में। सर्च करो पहले फेसबुक पे जाके कि मेरे लोकल एरिया से कनेक्टेड, मेरे लोकल एरिया से रिलेटेड कितने ज्यादा फेसबुक ग्रुप है, उस सभी पे ऐड हो जाओ, और धीरे धीरे करके अपना कंटेंट है ना फेसबुक ग्रुप्स पे भी डालना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, लोग देखेंगे आप क्या कर रहे हो, आपके ऑफिस में कितने सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कितने एजेंट्स अच्छा कमा रहे हैं, कितनों को पहला चेक मिल रहा है, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, यू नो, बर्थडे पार्टीज हो रही है, केक कटिंग हो रहा है, वगैरह वगैरह। आपकी टीम में काम करने के क्या वैल्यूज है, आप कितना अच्छा सपोर्ट करते हो, ये सारी चीजें आप पोर्ट्रे कर सकते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और इसी से ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है बॉस। यही चीजें धीरे धीरे आपको लीड जनरेट करके देती है। तो ब्रांडिंग से एक्चुअली क्या होता है पता है, इनकमिंग शुरू होता है ना, लीड्स मिलना शुरू होते हैं, डेटाबेस जनरेट होता है, यानी चीजें मिलना शुरू हो जाती है आपको, राइट? वैसे ही यही जो कंटेंट है ना, आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो, ऐसे ही टाइप का कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो, और इसी के साथ साथ ये जो ऑनलाइन चीजें है ना, उसके साथ साथ आप क्या करो, अलग अलग सोर्सेस पे जाके, अलग अलग जगहों पे जाके प्रेजेंटेशंस देना शुरू कर दीजिए। जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी में एम्प्लॉइज को प्रेजेंटेशन दिया आपने, या फिर किसी प्री स्कूल में पेरेंट्स को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और ये जो सारे प्रेजेंटेशंस है ना, ये पूरा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं समझाना है बॉस, ये इंटरेस्ट ट्रिगरिंग प्रेजेंटेशन होने चाहिए। कैसे प्रेजेंटेशन, इंटरेस्ट ट्रिगरिंग, यानी क्या करना है, अपने को इन लोगों को सिर्फ अपने ऑफिस पे इनवाइट करना है, राइट? और ऑफिस पे फिर उनको समझाना है पूरा करियर अपॉर्चुनिटी। तो ये जो अलग अलग जगह पे जाके आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, शॉर्ट प्रेजेंटेशन, 10 मिनट के, 15 मिनट के, आधे घंटे के, ये जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, दीज प्रेजेंटेशंस आर आल्सो योर ब्रांडिंग एक्टिविटी। यहां पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो आप लोगों के अंदर, समझ रहे हो बात को, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, ब्रह्मा क्रिएटिंग इंटरेस्ट, राइट? अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे भगवान के बारे में, और वो है भगवान विष्णु।
अब भगवान विष्णु को किस तरह से देखते हैं हम? भगवान विष्णु को इस तरह से देखते हैं कि ये जो भगवान है ना, ये सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनको पालने का काम करते हैं, राइट? उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ति करने का काम करते हैं, राइट? तो ब्रह्मा जी जो है वो डिमांड क्रिएट करते हैं, विष्णु जी जो है वो सप्लाई करते हैं, इजंट इट? इस तरह से बिजनेस टर्म्स में हम समझ सकते हैं। अब मार्केटिंग में हमें क्या करना है? मार्केटिंग में हमने जितना भी डेटाबेस जनरेट किया है ना, जितने भी लीड्स को जनरेट किया है हमने, उन लोगों को हमें ऑफिस पे इनवाइट करना है, और उनको ऑफिस पे इनवाइट करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ये हमें उनको सुनाना है, उनको बताना है, उनको अवेयर करना है कि हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट? उसके साथ साथ आप SMS मार्केटिंग भी कर सकते हो, जो भी डेटाबेस जनरेट हुआ है उसमें। आप WhatsApp मार्केटिंग कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, और हर कोई वो तरीका आप अपना सकते हो जिससे आप अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा पाओ। इसमें सबसे फेवरेट जो मेरा तरीका है ना वो यही है कि लोगों को इनवाइट करो अपने ऑफिस पे, और फिर उनको ट्रेनिंग रूम में बुला के उनको प्रेजेंटेशन दो, उनको BOP समझाओ, करियर अपॉर्चुनिटी समझाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन हाँ, मान लो यहीं पे प्रॉब्लम है, सर कैसे समझाए, क्या बोले लोगों के सामने, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करे, कैसे अपनी टीम में रिक्रूट करे, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहीं पे तो गाड़ी अटक जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, एक जो मेरा कोर्स है ना, दैट इज हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि कैसे लोगों को ऑफिस पे बुलाना है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है, और कैसे अपनी टीम में रिक्रूट करना है। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, मेरी वेबसाइट पे जो पेज है उस पे पहुंच जाओगे, और वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर भी मान लीजिए आपको कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना WhatsApp नंबर भी दे दिया है, WhatsApp पे कनेक्ट हो जाइए, मुझे सवाल पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज़ ये जो तरीका है ना लोगों को ऑफिस पे बुला के उनको इन्फ्लुएंस करना, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने ही लोकल एरिया से लोगों को बल्क में रिक्रूट करने का। क्योंकि एक एक करके लोगों को रिक्रूट करने के लिए जो हम आज निकल रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए ना कन्वर्जन रेशियो कितना है, 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तब जाके मुश्किल से 5 या 10 लोग रिक्रूट होते हैं, राइट? अब इतना गंदा कन्वर्जन रेशियो वाला स्ट्रेटेजी आज भी कई मैनेजर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता। और इस कोर्स में मैंने इन्फ्लुएंस करने के बारे में सिखाया हुआ है, यानी सेम जो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु कहां के किंग है? वैकुंठ के, है ना? वैकुंठ अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, तो आपको एक ऐसा इमेज नजर आएगा जहां पर एक ब्यूटीफुल गार्डन है, वहां पर भगवान कृष्ण जो है उनके विष्णु भगवान के अवतार भगवान कृष्ण जो है वो रासलीला कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं हर गोपियों के साथ वगैरह वगैरह। That is a beautiful place, isn't it? यानी वो इमेज का डिपिक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वैकुंठ पे अगर आप जाते हो ना, तो this is the most happening place, boss. यहाँ पे हर इच्छा की पूर्ति होती है। You will be like celebrating every day on वैकुंठ, right? कभी भगवान विष्णु को आपने मार्केटिंग करते हुए देखा है कि यार अरे यहाँ पे आ जाओ यार, वैकुंठ में आओ, वहां पे मजा आएगा आपको, क्या स्वर्ग में क्या रखा है यार, कैलाश में क्या रखा है, वैकुंठ इज द बेस्ट प्लेस, ऐसा कभी मार्केटिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा है। हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी वैकुंठ के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। क्यों? कि यहां पे है ना जो भी जाता है उसको मजा आ जाता है ना, एवरी डे एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ही सेलिब्रेट्स। अगर ये आपको चाहिए तो आप आओ। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज पुल स्ट्रेटजी। हमारी इंडियन माइथोलॉजी में ही इतनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजीज है ना, उसको इस्तेमाल कर लेंगे ना हम, अपने को और कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, राइट? इफ यू अग्री प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिए आई अग्री, सो दैट मुझे भी पता चले वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, है ना? सो दिस इज मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे भगवान के बारे में, और वो है महेश। जी हाँ, भगवान शंकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब भी भगवान शंकर के बारे में हम बात करते हैं तब दिमाग में कैसा पिक्चर आता है? एकदम रौद्र रूप, राइट? ही इज द फिनिशर, ही इज द क्लोजर। सारी चीजें ब्रह्मा जी से शुरू होती है और महेश जी पे आके खत्म हो जाती है, इजंट इट? सो दैट इज व्हाट इज सेल्स इन आर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हम सारी चीजें जो भी करते हैं ना वो क्यों करते हैं? सेल्स के लिए करते हैं, क्लोजिंग के लिए करते हैं, इजंट इट? तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सेल्स अगर हमें करना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो तो सब कॉमन है। सेल्स है ना एक्चुअली 4 चीजों की वजह से होता है। सबसे पहली चीज है इंटेंशन। आपकी नियत सही है ना बॉस, तो सेल्स यूं होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट क्यों कर रहे हो? अपना टारगेट खत्म करने के लिए। अगर ये इंटेंशन है ना बॉस, कोई रिक्रूट नहीं होगा, राइट? अगर इंटेंशन ऐसा रखोगे कि नहीं, मुझे लोगों को हेल्प करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, अच्छा पैसा उनको कमा के देना है, अपनी लाइफ में प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ग्रो करवाना है उनको, अगर ये इंटेंशन है ना बॉस, देखो फिर कैसे लोग जुड़ते हैं आपसे। और वो इंटेंशन जो है ना अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। लोग पागल नहीं है टारगेट के पीछे भूखों की तरह दौड़ते हुए, मैनेजर्स को पहचानते हैं और हेल्प करने वाले मैनेजर्स को आसानी से पहचान लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला ना दिमाग में अपना इंटेंशन क्लियर करो, मुझे लोगों को हेल्प
हेल्प करना है, मुझे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ना उससे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती। उसके बाद दूसरा सपोर्ट के बारे में बात करो, वो आपकी कंपनी में क्यों ज्वाइन होना चाहिए, वो आपके ब्रांच में क्यों ज्वाइन होना चाहिए, वो आपकी टीम में क्यों ज्वाइन होना चाहिए भाई, उसके पास हजारों दूसरे ऑप्शन है इजंट इट, लेकिन वो फिर भी आपकी टीम में क्यों ज्वाइन होना चाहिए, बिकॉज आपके पास वैसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से वो अच्छा पैसा कमा पाएगा, अपना ग्रोथ कर पाएगा लाइफ में। अगर ये सपोर्ट सिस्टम समझाओगे ना उसको कि मैं कैसे हेल्प करूंगा आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए, मैं कैसे हेल्प करूंगा आपको लाइफ में जो भी चीज अचीव करनी है उस चीज को अचीव करने के लिए, इसके बारे में बात करो बॉस, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करो। क्योंकि हर किसी बंदे को इंश्योरेंस में काम करना डिफिकल्ट लगता है, फिर वो इंश्योरेंस में है या नहीं है, इंश्योरेंस का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं राइट, तो उसको बताओ ना यार कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप मेरा सपोर्ट सिस्टम लोगे ना, मेरे टीम में काम करोगे, इट विल बी वेरी इजी। ये बातें क्लोजिंग पे लेके जाएगी आपको बॉस, MDRT, COT, TOT, यू नो मलेशिया ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप, इतना पैसा कमाओगे, ये कार खरीद लोगे, ये सारी चीजें आपको क्लोजिंग नहीं दिलाएगी और किसी को दिला भी नहीं रही है। और उसके बाद है तीसरा टेस्टिमोनियल, जी हाँ, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी अ लैब रैट राइट, लैब रैट समझते हो ना, वो लेबोरेटरी में जो चूहा होता है ना जिसपे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो किसी को नहीं बनना होता है, हर कोई ये देखता है कि यार इनकी टीम में और कोई काम कर रहा है, और कोई पैसा कमा रहा है, हाँ दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं ना, इट मींस ही हैज अ प्रूवन स्ट्रेटजी, वो हवा में बात नहीं कर रहा है, इसलिए उनको टेस्टिमोनियल्स भी चाहिए होते हैं। तो उनको दिखाओ अपनी टीम में दूसरे जितने भी एजेंट अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, उनको दिखाना शुरू करो, पोर्ट्रे देम एज एन एग्जांपल। और चौथा है ईज ऑफ डूइंग, जी हाँ, अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो भी आप जैसे जो भी बोल रहे हो ना, जो भी लोगों के सामने रख रहे हो, उसमें एक ही चीज उनको बताओ कि यार इसमें काम करना इजी है, आपको सिर्फ डेडिकेशन से काम करने की जरूरत है, आपको अच्छा स्किल्स इसमें अपना आपका लगाना है, दैट्स इट। स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये छोटे मोटे स्किल्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन इट इज नॉट डिफिकल्ट। इंश्योरेंस उन्हीं लोगों को डिफिकल्ट करता है जो इस इंडस्ट्री में टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो सीरियस है ना बॉस लाइफ में, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। डू यू अग्री विथ मी, डू यू रियली अग्री विथ मी, अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिखे कि सर आई अग्री। और यही जो सारी चीजें है ना, ये जो चार पॉइंट मैंने बताया ना, इनको ही आपको प्रेजेंट करना होता है अपने BOP में, अपने COP प्रेजेंटेशन में, यानी जो करियर अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन लेते हो ना, इसी में तो ये सारी चीजें बोलनी होती है। लेकिन हम बोलते क्या है, कंपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कंपनी एसेट बेस के बारे में बात करते हैं, MDRT के बारे में बात करते हैं, COT के बारे में बात करते हैं, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी बात करना शुरू कर देते हैं, दिस इज वॉट वी आर प्रेजेंटिंग राइट नाउ, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अपने करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में इंटेंशन, सपोर्ट, टेस्टिमोनियल और ईज ऑफ डूइंग का तड़का लगाओ, फिर देखो कैसे लोग रिक्रूट होते हैं। तो मुझे यहाँ पर है ना आपको एक सवाल पूछना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हमारे ये जो तीन भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रांडिंग मार्केटिंग सेल्स, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान आपको कौन लगते हैं, ब्रह्मा ब्रांडिंग, विष्णु मार्केटिंग या महेश सेल्स, उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आप रीजन भी लिख के बताओगे ना कि क्यों आपको इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स है ना आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजर्स को नहीं पता होते हैं, और इसलिए बहुत सारी अलग अलग मिस्टेक्स करते रहते हैं वो। तो ऐसी ही अगर मिस्टेक्स के बारे में जानना है ना आपको, तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे लिंक कर दिया है, उसको आप क्लिक कीजिए, उससे आपको ऐसी कई सारी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जो आप अवॉइड कर सकते हो। और ऐसे ही अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करने की कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखना है, तो नीचे और एक वीडियो मैंने लिंक कर दिया है, इस पे आप क्लिक कीजिए और से भी आपको कई अच्छी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।